नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर दमोह जिले के हटा से है। फाइलेरिया की दवा खिलाए जाने पर एक बुजुर्ग महिला अचानक ही बीमार हो गई और उसे 108 एम्बुलेंस के माध्यम से दमोह के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि घुटरिया गांव की यह घटना है, जहां पर फाइलेरिया दवा खाने के बाद बुजुर्ग भगवती बाई साहू को अचानक ही उल्टियां आने लगी और उसके बाद वो बेहोश हो गई। इसके बाद तत्काल ही डॉक्टर्स द्वारा उसे रेफर किया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि 13 से 15 नवंबर तक इस तरह का अभियान चल रहा है और रेयर केसेस में इस तरह की घटना देखने को मिलती है। हालांकि उससे पर्याप्त उपचार दिया जा रहा है। का भाव है? कौन सी गोली है? चार भाई उनने उनको हाथी पाँव की गोली खाई चार, उनको एकदम से बुखार आ गया 2 घंटा और बेहोश हो गई थी। माने कोई चिंता ही नहीं थी। फिर अपन ले आए 108 बोलवा के भर्ती कर दो। कहाँ से मिली थी गोलियाँ? गोली भी सरकारी आई थी ना, गांव में जो भी आशा करता है वे दे रही थी सभी लोग को। ये सही है कि आज फाइलेरिया दिवस है और आज से फाइलेरिया की दवाई बांटने का प्रोग्राम शुरू किया गया है। आज एक महिला घुटरिया गांव से आई है जिसका नाम भागवती बाई है और उसने फाइलेरिया की दवाई का सेवन किया था। उसके बाद उसको चक्कर एवं उल्टी की शिकायत हुई है और उसके कारण अस्पताल में आई है। ऐसा कभी कभी होता है कि फाइलेरिया की दवाई खाने से इस प्रकार की समस्या या साइड इफेक्ट होते हैं जो कि एक सामान्य है, उनसे लोगों को डरना नहीं चाहिए। अभी महिला को उपचार हेतु भर्ती किया गया है एवं महिला का स्वास्थ्य सामान्य है।